उमरिया में स्थित विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से है, जहां पर इन दिनों लगातार बाघों की मौतों का सिलसिला जारी है। जहां पर एक और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी चल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर मानपुर के दमना बफर जोन में दुख भरी खबर सामने आ गई। विगत दिनों बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के दमना बीट के बफर जोन में पेट्रोलिंग टीम को संदिग्ध परिस्थितियों में मादा बाघिन का शव तैरता हुआ कुएं में मिला। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मादा बाघिन हमेशा दमना बीट के कछरोहा गांव में बनी रहती थी और इसके दो शावकों को पहले ही नर शावक द्वारा मार दिया गया था और एक हफ्ते से अपने क्षेत्र में नजर नहीं आई थी। मृत बाघिन के गले में फंदा लगने से मौत की खबर सामने आ रही है, जहां पर अपराधियों ने पहले तो मादा बाघिन को फंदे में फंसाया और हत्या कर अपने अपराध को छुपाने के लिए पास में ही बने कुएं में शव को बोरे में भरकर पत्थर से बांध कर फेंक दिया, जिसकी जानकारी स्थानीय पत्रकार के द्वारा दमना क्षेत्र में रेंजर से चाही गई, तो जानकारी देने की बजाय पत्रकार की ही जानकारी मांगने लगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृत मादा बाघ का शव कई दिनों पुराना है, वहीं विभाग द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी गई है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उमरिया से दीपक वर्मा की रिपोर्ट।